कलर पैकिंग किस तरह से करना है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसमें आपको कहीं पर भी मशीन लिफ्ट नहीं करना है, मतलब कि फेदर नहीं छोड़ना है। वाइप करके प्रॉपर देखना है कि कलर प्रॉपर पैकिंग हुआ है या नहीं। जरूरी नहीं है कि आपने एक बार सर्कुलर स्टार्ट किया तो पूरे बॉक्स के अंदर आपको सर्कुलर मोशन ही करना है। यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में ड्रैग मोशन करूंगा इस तरह से। पेंडुलम मोशन जो है मोस्टली आउटलाइन जो होता है वो फिनिशिंग देने के लिए या फिर लाइन एक्सटेंड करने के लिए या सॉफ्ट शेड क्रिएट करने के लिए होता है। तो मैग्नम से भी आप कर सकते हो, इससे जरूरी नहीं है कि लाइनर या शेडर नीडल से ही आप कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कलर पैकिंग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स के मोशंस यूज करके। वैसे मोशंस के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जो कि मैंने पेंसिल से ट्यूटोरियल्स बनाए थे, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, जिसने भी नहीं देखा है वो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग अलग अलग मोशंस यूज करके किस तरह से कलर पैकिंग कर सकते वो हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि बिगिनर आर्टिस्ट जो होते हैं मोस्टली उन लोग को प्रॉब्लम होता है कलर पैकिंग के लिए। तो वही सारी चीज आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले। एंड गाइस, फाइनली आज हमारे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, और सिर्फ आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहना, मैं भी आप लोग के लिए इसी तरह से वीडियोस बनाते रहूंगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कि मैंने सेटअप ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और सबसे पहले मैं आप लोग को ड्रैग मोशन दिखाऊंगा, किस तरह से हम लोग को ड्रैग मोशन से कलर पैकिंग करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आरएल नीडल ले रहा हूँ। आरएल नीडल जो मैंने लास्ट वीडियो में यूज किया था वही है, वो मैंने अच्छे से क्लीन करके रखा हुआ था। फिर भी एक बार स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसे को अच्छे से क्लीन करेंगे, उसके बाद मशीन के अंदर हम लोग इसको फिट करके स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ किस तरह से हम लोग को मोशन करना है ड्रैग मोशन। तो मशीन का स्पीड मैंने 7.6 रखा हुआ है, आप लोग को यहाँ पर अभी दिखेगा, देख सकते हो 7.6 है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले 100% टोन लूंगा मैं, और यहाँ पर मैं एक आउटलाइन बनाता हूँ, उसके अंदर मैं आपको कलर किस तरह से पैक करना है मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं 100% टोन लेके पहले आउटलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर मैं ये रेफरेंस के लिए सिर्फ ऐसे ही बॉक्स बना रहा हूँ ताकि इसके अंदर मैं कलर पैकिंग करके मोशंस यूज करके किस तरह से कलर पैक करना है वो आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये बॉक्स है, इसके अंदर कलर पैक करना है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग ड्रैग मोशन यूज करेंगे। ड्रैग मोशन किस तरह से यूज करना है ऑलरेडी जिसने भी पेंसिल वाले ट्यूटोरियल में देखा रहेगा उनको थोड़ा बहुत पता रहेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले 100% टोन लेंगे हम लोग, और ड्रैग मोशन जिस तरह से मैंने पेंसिल में बताया था सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। स्टार्टिंग में यहाँ पर जो आप आउटलाइन देख रहे हो नीचे वाला, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे। ऊपर से फिर जहाँ पर ये खत्म हो रहा है वहां से फिर थोड़ा हम लोग आगे की और नीडल शिफ्ट करके फिर धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। इसमें आपको कहीं पर भी मशीन लिफ्ट नहीं करना है, मतलब कि फेदर नहीं छोड़ना है, डार्क एकदम फील होगा 100%। तो इस तरह से मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। आप लोग को मशीन का साउंड भी अच्छे से सुनाई देता रहेगा, तो उसमें भी आप लोग अंदाज लगा सकते हो कि मेरा हैंड मूवमेंट है वो कितना स्लो है या कितना फास्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ मैंने अभी तक एक ही बार एक ही रिपीटेशंस किया है, तो उसमें इतना फील हुआ है। फिर भी आपको बीच में हल्का हल्का गैप दिखता रहेगा या वाइट दिखता रहेगा, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर फील नहीं हुआ है, तो उसको आप दूसरे रिपीटेशन में कर सकते हो। यहाँ पर एक ही रिपीटेशन में हम लोग को ऑलमोस्ट 82-85% हम लोग को रिजल्ट देखने मिल रहा है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब आप नीडल को आगे मूव करते हो ड्रैग मोशन करते हुए, तो
आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि ज्यादा डिस्टेंस ना हो, ज्यादा गैप ना हो बीच में, नहीं तो वो वाइट गैप्स ज्यादा दिखेगा। तो वही आपको चीज ध्यान में रखनी है, धीरे धीरे करके आपका हैंड मूवमेंट भी स्लो रहेगा और धीरे धीरे करके आपको आगे हाथ मूव करना है और नीडल को आगे लेके जाना है, तो वो हिसाब से वो प्रॉपर कलर पैकिंग होगा। और अगर आपसे एक बार में नहीं हो रहा है तो आप दूसरा रिपीटेशन कर सकते हो, बट ड्रैग मोशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होगा जब आप बार बार रिपीटेशन करोगे तो स्किन डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो अभी मैं दूसरी बार रिपीटेशन कर रहा हूँ। दूसरी बार जब आप रिपीटेशन कर रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फर्स्ट टाइम जब आपने कलर पैकिंग करना स्टार्ट किया था वो टाइम पे जितना आपका हैंड प्रेशर था उतना ज्यादा नहीं रहेगा, उससे थोड़ा सा कम कर देना है आपको, क्योंकि दूसरी बार जब आप रिपीटेशन करोगे तो स्किन डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो जितना आप रिपीटेशन ज्यादा करोगे उतना आपको चांसेस बढ़ जाएगा कि स्किन डैमेज हो, या फिर आपको प्रेशर जो है आपका हाथ का वो लाइट रखना पड़ेगा। और यहाँ पर एजिस में आपको थोड़ा वाइट वाइट दिखता रहेगा, तो वहां पर हम लोग पेंडुलम मोशन यूज करके फिर हल्का हल्का करके इस तरह से हम लोग कलर पैकिंग कर सकते हैं। पेंडुलम मोशन में एजिस पे इसके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि उससे जो आउटलाइन है उसके बाहर जाने का चांसेस कम हो जाता है, अदरवाइज अगर आप ड्रैग मोशन से करोगे तो फिर वो ज्यादा चांस है कि वो बाहर जाए, और पेंडुलम मोशन में फिर जो एजिस है या फिर जो डॉट्स रहते हैं एंड में वो दिखेगा नहीं। अदरवाइज आप ड्रैग मोशन से करोगे तो जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो और जहाँ पर ख़त्म कर रहे हो वहाँ पर डॉट्स दिखने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ड्रैग मोशन के बदले एजिस में पेंडुलम मोशन सजेस्ट कर रहा हूँ इस तरह से, और ये बाजू भी मैं थोड़ा हल्का हल्का पेंडुलम मोशन करके इस तरह से शार्पनेस देने की ट्राई करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना प्रॉपर कलर पैकिंग हुआ है। तो इस तरह से मैंने ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखाए, तो आजू बाजू का फिनिशिंग मत देखना, कलर पैकिंग कितना प्रॉपर हुआ है वो आप ध्यान से देखो, आजू बाजू का जो फिनिशिंग है वो आप आराम से टाइम लेके कर सकते हो। मुझे प्रॉपर सिर्फ आपको टेक्निक सिखाना है कलर पैकिंग का, किस तरह से आप लोग कर सकते हो, तो इसके लिए मैं सिर्फ कलर पैकिंग करके दिखा रहा हूँ। फिनिशिंग आप लोग अपने हिसाब से टाइम लेकर प्रॉपर प्रैक्टिस करते टाइम आप दे सकते हो। सो गाइज ये था ड्रैग मोशन। अभी यहाँ पर इसके ऊपर मैं आपको दूसरा मोशन करके दिखाता हूँ जो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से हम लोग कलर पैकिंग किस तरह से कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं अभी। जैसे हम लोग ने पेंसिल में भी देखा था, पेंसिल वाले ट्यूटोरियल में सर्कुलर मोशन किस तरह से किया था, तो इसमें सिर्फ आपको सर्कल सर्कल करते जाना है। बट एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो सर्कल आप करोगे वो ज़्यादा मतलब वो प्रॉपर राउंड में नहीं रहेगा, इस तरह से राउंड में नहीं रहेगा, वो सर्कल रहेगा एकदम फ्लैट राउंड रहेगा इस तरह से। नज़दीक नज़दीक आपको सिर्फ सर्कल करते जाना है प्रॉपर प्रेशर अप्लाई करके, और 100% आप टोन ले सकते हो कलर पैकिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं 100% ले रहा हूँ और फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ एक बार। ये वाले बॉक्स के अंदर मैं अभी सर्कुलर मोशन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से इसमें हम लोग धीरे धीरे, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो कलर पैकिंग जब आपको करना है, बट समझ लो आप कोई स्ट्रिप बना रहे हो जिसमें ग्रेडियंट है, तो उसमें आप प्रॉपर ऊपर से स्टार्ट नहीं कर सकते, उसमें आपको नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट समझ लो ये पूरा बॉक्स है तो उसके अंदर हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर बॉक्स है या ऐसा कोई जहां पर आपको पूरा ही फील करना है तो आप ऊपर से स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं इस तरह से सर्कुलर मोशन करते हुए स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैं सर्कुलर मोशन करते हुए धीरे धीरे करके नीचे आऊंगा। और एक बार रिपीटेशन होने के बाद आपको स्टॉप हो जाना है और वाइप करके प्रॉपर देखना है कि कलर प्रॉपर पैकिंग हुआ है या नहीं। और यहाँ पर समझो आपको अभी मैं ज़्यादा गैप मतलब प्रॉपर सर्कल करूँगा तो इतना प्रॉपर जो है कलर पैकिंग नहीं होगा। इसके लिए मैंने बताया कि आपको जो सर्कल है वो इस तरह से लंबा करना है, इस तरह से, ना कि गोल करना है। तो उसके बाद हम लोग वापिस से सर्कुलर मोशन करेंगे उसके बाजू में थोड़ा, तो ऊपर यहाँ पर थोड़ा बाकी है तो वहाँ पे मैं पहले कर लेता हूँ इस तरह से। और अभी थोड़ा आगे हम लोग नीडल शिफ्ट करके फिर वापस से रिपीटेशन करेंगे।
इसमें आधा सर्कल आपका जो पहले आपने सर्कल का लाइन किया था उसके ऊपर रहेगा और आधा जो है वो आगे रहेगा, बाहर रहेगा, ताकि अगर पहले रिपीटेशन में जहाँ पर गैप है वहाँ पर अगर आपसे कोई गैप छूट रहा है तो वो भी प्रॉपर फील हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको ये लगता रहेगा कि मैं मशीन को सिर्फ आगे पीछे लेफ्ट टू राइट ऐसा सीधा चला रहा हूँ, बट सीधा नहीं है वो, हल्का हल्का राउंड शेप में इस तरह से हम लोग उसको क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर आप सीधा करोगे तो वो ड्रैग मोशन हो जाएगा, उसको धीरे धीरे करके आप राउंड में करते जाओगे तो वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा, तो वो हिसाब से आपको सर्कुलर मोशन में करना है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्कल भी लेफ्ट साइड में इस तरह से करना है, आप राइट साइड में भी, आप वो आपके ऊपर है किस तरह से आप करना चाहते हो वो हिसाब से आप कर सकते हो। अभी यहाँ पर देख सकते हो मैं नीचे से स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, तो आपको भी प्रॉपर आइडिया आएगा कि आप कोई भी एंगल से या कोई भी साइड से सर्कुलर मोशन जो है वो कर सकते हो। तो इसमें मैंने नीचे से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर भी वो भी आपको प्रॉपर देखने मिलेगा कलर पैकिंग, यहाँ पर देख सकते हो। किसी भी बॉक्स का या किसी भी आउटलाइन जो रहेगा वहाँ पर आप लोग ड्रैग पेंडुलम मोशन से फिनिशिंग दे सकते हो इस तरह से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार सर्कुलर स्टार्ट किया तो पूरे बॉक्स के अंदर आपको सर्कुलर मोशन ही करना है, यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि ड्रैग मोशन करना चाहिए तो यहाँ पर ड्रैग मोशन करके भी, यहाँ पर देख सकते हो अभी जो व्हाइट वाला पार्ट है वहाँ पर मैं ड्रैग मोशन यूज़ करके कलर पैकिंग कर रहा हूँ इस तरह से हल्के हाथ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर कलर पैक हो गया है पूरा ब्लैक, तो वो हिसाब से आपको कलर पैकिंग करना है, मोशन चाहे आप कोई भी यूज़ करो बट प्रॉपर फाइनल रिजल्ट आपका कलर पैकिंग 100% होना चाहिए, यही चीज़ आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है। तो ये था सर्कुलर मोशन। सो गाइस उसके बाद थर्ड मोशन है ड्रैग विद सर्कुलर मोशन, जो कि ड्रैग मोशन और सर्कुलर मोशन का कॉम्बिनेशन है। उसमें हम लोग किस तरह से करेंगे वो मैं आपको इस थर्ड वाले बॉक्स में करके दिखाऊंगा कलर पैकिंग, तो उसके लिए फिर से हम लोग 100% टोन लेंगे। और यहाँ पर ड्रैग मोशन में हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तब ऊपर के बाजू जाते हुए ड्रैग मोशन हम लोग को करना है, बट नीचे आते टाइम हम लोग को सर्कुलर मोशन में नीचे आना है। तो सिंपल अगर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर जाते टाइम इस तरह से ड्रैग मोशन करूँगा, फिर नीचे आते आते उसी लाइन के ऊपर थोड़ा ड्रैग मोशन करते हुए मैं नीचे आऊँगा हल्का सा आगे शिफ्ट करके। फिर जब ड्रैग मोशन कंप्लीट होगा यहाँ पर तो मैं मशीन लिफ्ट नहीं करूँगा, लिफ्ट करने के बदले जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहीं से फिर वो सर्कल के ऊपर ही मैं ड्रैग मोशन फिर से कंटिन्यू करूँगा और फिर थोड़ा हल्का शिफ्ट करते हुए मशीन को ड्रैग मोशन सर्कुलर मोशन करते हुए नीचे लेके आऊँगा। इस तरह से हम लोग को ड्रैग विद सर्कुलर मोशन करना है, तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखना। तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में ड्रैग मोशन करूँगा इस तरह से, फिर नीचे आते आते इस तरह से सर्कुलर मोशन करूँगा, वो जो हम लोग ने ड्रैग मोशन वाला लाइन किया उसके ऊपर ही हम लोग इस तरह से सर्कुलर मोशन करते हुए नीचे आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको वाइप करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर कलर पैकिंग हुआ है। उसके बाद थोड़ा यहाँ पर मैंने मशीन लिफ्ट कर दिया क्योंकि मुझे आप लोग को दिखाना था वाइप करके। अगर आपको भी प्रॉपर पता नहीं चल रहा है कहाँ पर कलर पैकिंग हुआ है या नहीं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इंक जो होता है वो स्प्रेड हो जाता है, प्रॉपर दिखता नहीं है, तो आप वाइप करके फिर स्टार्ट कर सकते हो, बट बीच में आपको नहीं छोड़ना है, जहाँ पर आपने स्टार्ट किया था वहीं से आपको स्टार्ट करना है और वहीं पर आपको ख़त्म करना है, उसके बाद आप मशीन लिफ्ट करके वाइप कर सकते हो। बीच में अगर आप लिफ्ट कर लोगे तो आपको प्रॉपर आइडिया नहीं आएगा कि कहाँ से फिर आपको स्टार्ट करना है, और अगर आप स्टार्ट कर भी लोगे तो फिर वहाँ पर जो जॉइंट है वो डॉट्स दिखेगा, तो इसके लिए आपको जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से आपको ख़त्म करके फिर लिफ्ट करना है मशीन। यहाँ पे फिर से मैं एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ ड्रैग मोशन इस तरह से, और फिर नीचे आते आते हम लोग इस तरह से सर्कुलर मोशन करते हुए नीचे आएंगे, फिर ड्रैग मोशन करेंगे, फिर सर्कुलर मोशन करते हुए नीचे आएंगे।
इस तरह से आप देख सकते हो। लास्ट में मैंने थोड़ा गैप छोड़ दिया है क्योंकि अगर वहाँ पे मैं सर्कुलर मोशन करने जाऊँगा तो क्या होगा कि चांस है कि आउटलाइन के बाहर चले जाएगा। यहाँ पर नहीं गया है बाहर क्योंकि यहाँ पे मैंने ड्रैग मोशन यूज़ किया था स्टार्टिंग में, बट लास्ट में नीचे आते आते अगर मैं सर्कुलर मोशन यूज़ करूँगा तो हो सकता है कि आउटलाइन के बाहर चला जाए। तो इसके लिए यहाँ पर लास्ट में हम लोग ड्रैग मोशन यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, और सर्कुलर मोशन आपको लाइन के लेफ्ट साइड में रखना है इस तरह से। तो इसका आउटलाइन देख सकते हो आप, पूरा जो है बाहर नहीं गया है। और अगर आपको ऐसा कहीं पर फिनिशिंग देने का ऐसा लग रहा है कि मुझे फिनिशिंग देना पड़ेगा, तो आप पेंडुलम मोशन से हल्के हल्के से इस तरह से आप दे सकते हो फिनिशिंग इस तरह से। तो ये था ड्रैग विद सर्कुलर मोशन, और फोर्थ है पेंडुलम मोशन। पेंडुलम मोशन में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि वहाँ पर हम लोग को कलर पैकिंग के लिए मोस्टली पेंडुलम मोशन यूज़ नहीं होता है। वो होता है यूज़ या तो आप स्ट्रिप बना रहे हो तो आगे एक्सटेंड करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है कि व्हिप मोशन यूज़ करके हम लोग स्ट्रिप का स्टार्टिंग करते थे और उसके बाद एक्सटेंड करने के लिए हम लोग इस तरह से पेंडुलम मोशन यूज़ करते थे। तो पेंडुलम मोशन मोस्टली सॉफ्ट शेड के लिए होता है, और जो भी स्ट्रिप है या कोई ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम लोग एक्सटेंड करने के लिए या फिर क्रॉस हैचिंग टेक्निक यूज़ करके मर्ज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं पेंडुलम मोशन नहीं दिखा रहा हूँ, बट अभी समझ लो यहाँ पर आप इतना ड्रैग मोशन कर रहे हो इस हिसाब से, समझ लो आपका आधा बॉक्स इस तरह से ड्रैग मोशन से आपने फील किया हुआ है। और उसके बाद अगर आपको पेंडुलम मोशन से पूरा फील करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसमें सिर्फ बीच वाला जो पार्ट जहां पर आपका निडल टच होगा वही जो ये बो ये जहां तक ये वाला आउटलाइन आपको दिख रहा है जहां पर कलर पैकिंग खत्म हो रहा है वहां पर आपको जो निडल का बीच वाला पार्ट है वो हम लोग जब नीचे निडल टच करेंगे वो होना चाहिए, मतलब वहां पर निडल टच होना चाहिए, बाकी दोनों बाजू फेदर्ड रहेगा। इस तरह से पेंडुलम मोशन करके भी आप जो है स्ट्रोक लगा सकते हो, बट पेंडुलम मोशन में सजेस्ट करूंगा कि कलर पैकिंग के लिए आप ज़्यादा यूज़ मत करो। पेंडुलम मोशन जो है मोस्टली आउटलाइन जो होता है वो फिनिशिंग देने के लिए या फिर लाइन एक्सटेंड करने के लिए या सॉफ्ट शेड क्रिएट करने के लिए होता है। तो इस तरह से आप ये तीन तरीके जो है, पहला जो मैंने आपको बताया ड्रैग मोशन, दूसरा जो बताया सर्कुलर मोशन, और थर्ड जो बताया आपको वो ड्रैग विद सर्कुलर, ये तीनों टेक्निक से आप लोग ये तीनों मोशंस यूज़ करके आप लोग कलर पैकिंग अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पर तीनों तरीके मैंने आप लोग को बता दिए। समझ लो आप कोई स्क्रिप्ट टैटू बना रहे हो, नेम टैटू बना रहे हो, तो उसके अंदर पूरा फीलिंग रहता है, तो उसमें भी आप इस तरह से कलर पैकिंग कर सकते हो। उसमें अगर समझ लो कौ है कहीं पर, तो आपको ड्रैग मोशन जो आप कर रहे हो वो इस तरह से, अगर समझ लो कौ है तो आपको कौ में इस तरह से मशीन घुमाना है, तो वो हिसाब से आपको कलर पैकिंग करना है। तो ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल के लिए टेक्निक सिखाने के लिए बताया, बाकी जो कव में आपका डिज़ाइन रहेगा वो हिसाब से आप कलर पैकिंग कर सकते हो ये तीनों मोशन यूज़ करके, और फिनिशिंग के लिए आप पेंडुलम मोशन यूज़ कर सकते हो। गाइस यही था कलर पैकिंग। सो गाइस इसी तरह से आप लोग अलग अलग मोशन यूज़ करके कलर पैकिंग कर सकते हो, और मैग्नम से भी आप कर सकते हो। इससे ज़रूरी नहीं है कि लाइनर या शेडर नीडल से ही आप कर सकते हो। मैग्नम में फ़र्क ये रहेगा कि आपका जो मैग्नम है वो थोड़ा क्रॉस में रहेगा, ये भी मैंने एक पहले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। सो गाइस यही था आज के वीडियो में, और हर एक टाइप के मोशन यूज करके आप लोग कलर पैकिंग कर सकते हो। और अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके मुझे पूछ सकते हो। सो गाइस आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। गाइस मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।